Now I request our General Secretary, Mr. Bansole, to propose a vote of thanks for this particular meeting. क्या इसी को दिन सही मायने ट्रू हो गया बोलते हैं? आपसे जवाब चाहिए। थैंक यू। कल तक इस प्रोग्राम के बारे में हम सभी के मन में एक ही डर था कि यह प्रोग्राम हम सक्सेस करेंगे क्या। दूसरा, चेयरमैन साहब इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, तो हमने जो सोचा था वो क्या फुलफिल होगा क्या? शायद मैं गलत सोच रहा था, ये आज चेयरमैन साहब ने दिखा दिया। और चेयरमैन साहब ने अपने स्पीच में जो बातें कही उनके बॉटम ऑफ द हार्ट थी। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि विजन रखो और विजन ऐसे रखो कि वो पूरे करे। ड्रीम्स रखो, डे ड्रीमिंग कभी कभी अच्छे रहते हैं, नाइट के ड्रीम्स भी कभी कभी अच्छे रहते हैं, बट ड्रीम्स हमेशा पूरे होते हैं। और जब तक आप ड्रीम नहीं करोगे तब तक आपकी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। आपकी ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और यही हमारा मकसद था कि हमारी ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो। साहब, इस पैनल पे, साइड पैनल पे टॉप पोर्शन में दो लोगोज है, दोनों आइडेंटिकल है। इसमें सेंटर में अशोक चक्र है और बाजू में हाथ है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि ये जो हाथ है ये मेरे जोनल के हाथ है, मेरे जोनल के हाथ है। और ये जोन के हाथ वो व्हील को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो व्हील को ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हैं कि एक्सेलेंस ही मिले। और दोस्तों, मुझे इस बात की गारंटी है कि हम एक्सेलरेट करके एक्सेलेंस ही जरूर पाएंगे। साहब, हमारा जो सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन इस प्रकार का है। कल डायरेक्टर साहब ने एक बात कही थी कि सेलिब्रेट करो। यस, सेलिब्रेट करेंगे। और डायरेक्टर साहब यही चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें, बट सेलिब्रेशन जो उन्होंने जो इंटरप्रेट किया और जो हमने अंडरस्टैंड किया, वो इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो रिसोर्सेस है उसको एडमायर करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको पुरस्कार देके उनका एडमिरेशन जो है वो और पूरा बूस्टअप हो, ऐसा हमारा उसमें से इंटरप्रिटेशन है। सब मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। फार्मर जो है वो अपने रिसोर्सेस को एडमायर करते हैं, क्योंकि फार्मर को बहुत भरोसा रहता है कि जो उसके रिसोर्सेस है, उसका हल, उसके जो इक्विपमेंट्स है, उसका बैल, उसके ऊपर बहुत बहुत वो एडमायर करता है और वो बहुत भरोसा रखता है। और भरोसा रखता है इसीलिए वो एडमायर करता है। और उसका जो एडमायर करने का जो प्रोसेस है और उसका जो तरीका है वो सेलिब्रेशन है। और हम हमारे रिसोर्सेस को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। धन्यवाद। वापस एक बार मैं हमारे चेयरमैन साहब को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। उनके साथ हमारे टॉप मैनेजमेंट की टीम आई है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच हमने अदर देन कमिटी मेंबर्स कुछ यंगस्टर्स को इस मौके पर हमने बुलाया है। इसलिए हमने बुलाया था कि ये यंगस्टर्स और जो अदर देन कमिटी मेंबर्स है मुंबई जोन की, पर्टिकुलरली हमने बुलाए कि हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम खाली एसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस दो दिन के प्रोग्राम के बहाने उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन हम नर्चर कैसे करें, उनको आगे कैसे लेके आए और उनको एक बड़ा
कैसे लेके जाए, इसीलिए हमने आउटसाइडर्स को बुलाया था। सेकेंड थिंग, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब बीपीसीएल से कृष्णा कामरे जी, उनके जनरल सेक्रेटरी, और आईओसी के राष्ट्रपाल बोर्ड प्रेसिडेंट, उनको भी हमने बुलाया था। वो दोनों को इसीलिए बुलाया था कि देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये मत देखो कि हमारे एसोसिएशन क्या कर रही है। शायद मैंने वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव को एक अच्छा मैसेज दिया है, ऐसा मुझे लगता है। इस दौरान मैंने डब्ल्यूएस पवार जी, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स, और संजय खंडावे जी, इनको भी इस प्रोग्राम में हमने बुलाया। संजय खंडावे जी को डबल कैपेसिटी में यहाँ पर बुलाया था, एक शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए, और एक हमारे मेंटर, हमारी टीम के मेंटर, इस कैपेसिटी में हमने बुलाया था, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और चेयरमैन साहब का वापस एक बार धन्यवाद, शुक्रिया।